ये देखिएगा, ये यूनियन मिनिस्टर हैं भारत की स्मृति ईरानी। सऊदी अरेबिया में गई हैं, मस्जिद कुबा में गई हैं, ओहद के पहाड़ों में गई हैं, मस्जिद नबी का भी विजिट किया है और वहां पर हज और उमरा की मीटिंग को अटेंड किया है। कोई हुआ जिसका डर था स्मृति ईरानी का हरिमैन शरीफैन और मदीना मुनवरा के विजिट के बाद पाकिस्तानी मौलाना के अंदर तूफान मच गया। बहुत से फतवे स्मृति ईरानी के लिए, इंडिया के साथ साथ सऊदी अरब पे बहुत से निशाने ताने जा रहे हैं। उन्होंने मदीना मुनवरा का दौरा किया है और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर ऑप्टिक्स है कि एक तो खातून, दूसरी भारत से, और तीसरी जारी बात है उनका जो फेथ है वो शीज़ हिंदू, और बहुत सारे जो पाकिस्तान से जो मौलवी हजरात हैं, इस्लामिस्ट हैं, वो इस पर बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सऊदी अरब ये क्यों कर रहा है कि आज मक्का मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है। अच्छा, लेकिन ये लोग इंतहाई, इनके जबीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। इनके अंदर जो गैरत होती है ना, मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज़ होती है, वो नहीं है, वो खत्म हो गई है। आप सारा दिन दुकान बंद करके इंडियन फिल्में देखते हैं, रात को खोल के कहते हैं ये रमजान चल, लेकिन इधर आप देखें, इधर क्या प्रॉब्लम है जी? खातून चली गई है, स्मृति ईरानी चली गई है, वो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, जहां के इस वक्त मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पर भारत का नंबर आता है पॉपुलेशन का मुसलमानों के। मुसलमान के लिए एक वैसी हैसियत, मुसलमान होने के नाते हम सब के लिए ये मर जाने का मकाम है, क्योंकि कुरान पाक में वाजह तौर पर यह है काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। तौबा तौबा का मकाम है ये, तौबा तौबा का मकाम है। आपको पूरे गल्फ में मंदिर बनते नजर आ रहे हैं, अरबों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, जना, बदकारी, बुत परस्ती, शिर्क, कुफर, वो तमाम खित्ते जो अपने आप को तौहीद और शिर्क और बिदत इन सब के ऊपर तूफान मचा के रखते थे, सबसे पहले मुशरिक हो गए। मुस्लिम उम्मा का लीडर हो के इंडिया से हाथ मिला रहे, यहूदियों निसारा से हाथ मिला रहे, और हिंदू लोगों को हरिमैन शरीफैन, खाना काबा, मदीना मुनवरा की ज्यारतें सऊदी अरब कैसे करा सकता है? दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थान मदीना का दौरा करके इतिहास रच दिया है। वो बिना हिजाब के मदीना का दौरा करने वाली पहली गैर मुस्लिम महिला बनी। अब इसे देखकर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जिहादियों में हड़कंप मच गया है। वे स्मृति ईरानी और सऊदी अरबिया पर फतवे पे फतवे जारी कर रहे हैं। अब दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहा है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी मौलाना और उनके जारी किए गए फतवे स्मृति ईरानी और इसके साथ साथ इंडिया पर तो कोई असर नहीं रखते, लेकिन ये बयानात से हमारे सऊदी अरब के ताल्लुकात कितने ख़राब हो सकते हैं, आपसे बात करेंगे। जी मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुसलमान के लिए एक वैसी हैसियत, मुसलमान होने के नाते हम सब के लिए ये मर जाने का मकाम है, मर जाने का मकाम है। क्योंकि कुरान पाक में वाजह तौर पर यह है काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन आज ये हुआ कि सऊदी अरब के अंदर एक काफिर को उनकी ज्यारतें कराई गई हैं जो कि इस्लाम के अंदर बिल्कुल सख्त मना है। अच्छा। लेकिन अब जो ये सारा बायकॉट कर रहे हैं सब, ये एक पॉलिटिक्स गेम है। अच्छा। ये मर जाने के मकाम है सियासतदानों के लिए। जो पाकिस्तानी सियासतदान है खास तौर पर, ये तो वैसे भिखारी हैं, उनके साथ भीख मांगते हैं कि हमें भीख दे दो। अच्छा। ये क्या बायकॉट करेंगे? ये सिर्फ बातों से बायकॉट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लोग कहते हैं जो सियासत को समझते हैं कि उन्होंने हिंदू समझ के ज्यारतें नहीं करवाई, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनकी मिनिस्टर हैं हज और उमरा के लिए, वो वहाँ पर गई हैं कि वीजा कितने जारी होने चाहिए, इंतजाम कितने हैं, और इंडिया के साथ सऊदी के जो ताल्लुक है, स्मृति ईरानी का कहना है कि हमारे तो सैकड़ों सालों से आपसे बड़े अच्छे ताल्लुक हैं। ये सारा कुछ इंडिया के लिए वो कर रहे हैं, इंडिया के साथ सब कोई गेम है, मिले हुए हैं। अब चंद दिन पहले फलस्तीन में क्या हुआ है, उसको तेल कौन दे रहा था? सऊदी अरब उसको तेल नहीं दे रहा था, इसराइल के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी। ये सारी एक पॉलिटिक्स गेम है, जो सारी ये पॉलिटिक्स मिलकर सारा एक ड्रामा कर रहे हैं, और हमारे लिए, मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए इंतहाई शर्मनाक है, पाकिस्तान सियासतदानों के लिए, कि आज मक्का मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है। अच्छा। लेकिन ये लोग इंतहाई, इनका जबीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। इनके अंदर जो गैरत होती है ना, मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज़ होती है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। सर, आप क्या चाहते हैं कि सऊदी अरब 6वीं सदी 7वीं जो सदी का इस्लाम है वो नाफिज करे? वो भी रिफॉर्म हो रहा है, खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है, सऊदी अरब बदल रहा है। क्या बदल, सऊदी अरब सब कुछ तो हो रहा है, सऊदी अरब के अंदर अब्दुल्ला सिटी है, उसकी वजह से कैडे शराब खाना सब कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? जो अब्दुल्ला सिटी बना है सऊदी अरब के अंदर, वो क्या है? उसके अंदर डांस क्लब, शराब खाने, जुए खाने सब कुछ है,
सब कुछ हो रहा है। मदीना मुनव्वरा के अंदर भी सर अब वो एक सिनेमा ओपन करने जा रहे हैं। बात ये कि उन्होंने उनको पता चल गया कि भाई मजहब अपनी जगह, लेकिन अगर हमें दुनिया के साथ मुकाबला करना है तो हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। डिफॉर्मेशन हो रही है जी सऊदी अरब की, और वो इंडिया को ले या फिर जैसे इसराइल की भी बात की जा रही कि इन्होंने यहूदियों के साथ हाथ मिला लिया, इन्होंने हिंदुओं के साथ हाथ मिला लिया। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि सऊदी अरब की जो पॉलिटिक्स है वो हमारी समझ से बालातर है। वो बालातर है, वो सारी एक ही है। वो अभी अवाम के लिए अपने मुल्क के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान के हाथों में नचा रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ सरदार कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो कल जाएंगे उनके पाँव पकड़ेंगे, आज ऐलान करके हमने बाइकाट कर दिया है, कल ये जो लीडर साहब है ये खुद वहाँ से तेल लेने जाएंगे, वहाँ जाके कर्जा लेंगे, मिनते करेंगे, तो ये क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ये सब बातें हैं, ये कुछ नहीं होगा। ये तो मुसलमान जिसके अंदर मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये मुल्क पाकिस्तान कलमे की बिना पर बना है, लेकिन हम भूल गए हैं। अच्छा, हम ये अफसोस से बड़ा दुख हो रहा है कि हम ये चीज़ें भूल गए हैं। मुसलमान अगर एक हो जाता तो उनकी क्या जरूरत थी, इसराइल की क्या जरूरत थी कि फलस्तीन पर हमले करता। जनरल हमीद गुल ने एक बात कही थी बड़ी वाजिया, बड़ी याद होगी आपको, उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान ठिकाना, पाकिस्तान निशाना। अच्छा, ठीक है, और वो वक्त आ गया है, वो वक्त सामने है, लेकिन पाकिस्तानी सियासतदानों को ये नज़र नहीं आ रहा, वो अपनी कुर्सी के चक्कर में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। अगर आप ये सऊदी की तरफ देख लें, वो अपने मफाद के लिए उसने इंडिया से हाथ मिला लिया है, इसराइल से। आप बाल को फला करें, ये लम्हा फिक्रिया पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए कि उन्होंने अपने मफाद के लिए अपने मजहब को भी भूल गए हैं। सर ओआईसी में मुस्लिम मेंबर्स होते हैं, अभी उनकी मीटिंग हुई, पाकिस्तान को उन्होंने किसी खाते में नहीं रखा। पाकिस्तान को वो अंडा कुछ समझते नहीं है, वो तो दाल में चावल नहीं समझते पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पल्ले क्या है, तालीम के पल्ले क्या है, बाहर तालीम का क्या मैटर आ गया पाकिस्तान का? जब पाकिस्तान हर काम में बार वो इंडिया को बुलाते हैं, पाकिस्तान को बुलाया कभी उन्होंने? कभी बुलाया? सऊदी अरब एक बड़ा बड़ा इन्वेस्टर है, वो अपने अंदर अपने एक मुल्क के अंदर इसराइल है, फलस्तीन है, इराक है, सबके साथ हाथ मिलाया हुआ है, वो अपना फायदा सोच रहा है। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ तजारती लेन देन कर रहे हैं, और इंडियंस को तो सऊदी अरब के अंदर आप देखिए बड़ी इज्जत है, बड़ा मकाम है, बड़ा प्यार है, वो हिंदुइज्म को भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और साथ साथ इंडियंस को भी दे रहे हैं। देखिए जी, ये सऊदी अरब जैसी है कि जैसे कि उनको जो उन्होंने फरमाइश की थी, जो डिमांड की थी ना हज उमरा के लिए, वो पाकिस्तान के एक आटे में नमक बराबर नहीं है। जो उन्होंने डिमांड की हुई है कि जी हमें 175,000 हज ज़ायरीन को वीज़ा जारी किए जाए या उनको बुलाया जाए, मगर पाकिस्तान को 24,000 रुपये जो दिए ना उन्होंने, वो भी पूरे नहीं दे रहे, उनमें भी कीड़े निकाल रहे हैं। पता है क्या है, जो सऊदी है ना वो बेसिकली इंडिया का बिग इन्वेस्टर है, यूएई है वो बिग इन्वेस्टर है, दुबई है वो बिग इन्वेस्ट, जितने भी ये अरब कंट्री है ना वो टोटल इंडिया को रिलाइज कर रहे हैं कि उसको लेके आ रहे हैं, उसको अपग्रेड ले रहे हैं, और पाकिस्तान का जो नाम है ना वो दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है, पाकिस्तान का नाम ना होने के बराबर लिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं, और इंडिया की जो है ना पॉपुलैरिटी वो सऊदी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। सऊदी अरब के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया जाता है, रेड कार्पेट बिठाया जाता है, उनको हाई सिविलियन इतने बड़े तगमे पहनाए जाते हैं, तो बिजनेस इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट सऊदी और इंडिया के एक हो गए हैं। यहाँ के मुलाना भड़क रहे हैं, फतवे जारी कर देंगे, फलाना हो गया, धमकाना हो गया, क्या हम अपनी औकात भूल गए हैं कि अपने तो बस मांगने की रह गई है? मैम कुछ नहीं होगा, ये हम अगर उनसे बाइकॉट करते हैं ना तो हमारा तेल जीरो, हम ले रहे हैं उनसे भीख मांग रहे हैं, दे दो जी तेल, दो हमारे महीने के क्रेडिट पे दे दो, दो महीने के क्रेडिट पे दे दो, तीन महीने के, वो आपके पास है ही क्या? आपकी तेल खरीदने की औकात नहीं है इस पहले वो पाकिस्तान से आपने आपको काबिल तो बनाया ना कि वो बाइकाट करने के काबिल हो, खाने के लिए रोटी नहीं है, मांग आप उनसे रहे, आप कह रहे हैं बाइकाट कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाई इंडिया को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, जरा आप बताएं क्यों दी जा रही है? इंडिया की जो एसएम जो उसकी जो जीडीपी है ग्रोथ है ना वो पाकिस्तान के बहुत हाई है, पाकिस्तान के लेवल में नहीं है, पाकिस्तान के लेवल तो बांग्लादेश हाई है, बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत टॉप पे जा रहा है। ये वो पाकिस्तान इसने चाइना को कर्जा दिया था, ये वो पाकिस्तान इसने बांग्लादेश को कर्जा दिया था, ये वो पाकिस्तान इसने जापान को कर्जा दिया, आसान शरायत पे दिया था, और आज ये वो पाकिस्तान है जिसको कोई कर्जा नहीं, कोई कर्जा नहीं दे रहा बिल्कुल। दोस्तों दुनिया का कोई भी मुद्दा हो अगर उसमें मुस्लिमों का नाम आ जाता है तो पाकिस्तानी उसमें अपनी टांग जरूर अड़ाते हैं, न चार पैसे की इज्जत है न चार पैसे की औकात है, लेकिन चलते हैं मुस्लिम दुनिया का नेता बनने। अब स्मृति ईरानी का ये दौरा देखकर पाकिस्तानी मीडिया इतना चिढ़ गया है कि वो उन पर फतवे पे फतवे जारी कर रहा है। उन्हें चिढ़ इस बात की है कि जिस सऊदी अरबिया से वो भीख मांगते हैं वो सऊदी अरबिया भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। दोस्तों खैर चिढ़ने के अलावा इनके बस में और कुछ भी नहीं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।